पौड़ी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच की प्रदेश सचिव बीरा भंडारी के नेतृत्व में चयन के लिए लंबित राज्य आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर धरना प्रदर्शन किया और लंबित आवेदनों पर जल्द फैसला लेने की मांग की। इस मौके पर बीरा भंडारी ने कहा कि चयन के लिए चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के आवेदनों पर जिलाधिकारी के साथ कई बार की वार्ता होने के बावजूद बैठकें बेनतीजा रह रही हैं। अब तक हुई सभी बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया है, वहीं सरकार जल्द आवेदनों पर फैसला ले। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। लोग हमारे लिए 500 फोन आते हैं मावे ने, मैं तो कभी सकल ही उन लोगों की देख लीजिए कि मतलब जो है ये आंदोलनकारी थे कि नहीं थे। उत्तराखंड के आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 7 अगस्त को सबसे पहले लाठीचार्ज यहीं से शुरू हुआ था। ये हमारी नजदीक पौड़ी गांव की महिलाएं हैं, कांडे गांव के हैं, चुंचा गांव की महिलाएं हैं। आज मतलब कौन से मुंह लेके मतलब हमको बहुत शर्म आती है कि हम ही लोग इन लोगों के बीच में से चिन्हित हो रखे हैं और हमको पेंशन मिल रही है और इन लोगों को नहीं मिलता। इनका दर्द कौन सुनेगा पहले ये बताए, इनकी पीड़ा कौन सुनेगा है। और मैं तो कहती हूँ कि मानक के आधार पर तो सारे लोग आ रहे हैं, नहीं तो पूरे पौड़ी जिले को मैं तो कहूँगी आंदोलनकारी नगरी घोषित कर दो। प्रत्येक घर से अगर एक आदमी चिन्हित हो जाएगा और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी बन जाएगा तो दूसरा आदमी कोई बोल ही नहीं सकता है। तब तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं 4 हूँ, मैं 5 हूँ, मैं 10 हूँ। एक एक घर से हम तो कहते हैं कि आंदोलनकारी नगरी घोषित कर दो इसको।